हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद आर कुमार में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 के क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन को लेके। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे राइट में आप ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका एक्चुअल का क्वेश्चन पेपर है और लेफ्ट हैंड में आपको डिटेल सॉल्यूशन विथ फिगर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें फिगर से ही फिगर दे दिया गया था और पूछ लिया था इस ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका पहले का एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है बट ये उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशन है तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 का एग्ज़ाम का जो मेंस का सिलेबस है वो ऑलरेडी जो है आयोग ने आउट कर दिया है, तो एग्ज़ाम जो है जनवरी में प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो इसके रिलेटेड हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले जो पेपर हुए हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला जो क्वेश्चन है आपका वेट ऑफ वन बैग सीमेंट इज एक बोरी के सीमेंट का वजन कितना होता है। तो आप जानते हैं कि 50 केजी होता है। अगर हम बात करें कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है वो 0.0347 मीटर क्यूब होता है और एक सीमेंट बोरी का जो घनत्व होता है वो 1440 किलोग्राम होता है। अब चूंकि घनत्व इक्वल टू होता है आपका भार बटे वॉल्यूम, तो आपका भार बटे वॉल्यूम और हमें चाहिए यहाँ से वेट, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी गुणते आपका मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो 1440 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 0.0347, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आ रहा है आपका 49.968 केजी अप्रॉक्स। मैं इसे 50 केजी ले सकता हूँ। इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग सीमेंट बोरी कितनी आती है। तो 1 मीटर क्यूब में 28.85 बोरी सीमेंट को रखा जा सकता है और इसमें आप लमसम में इसे 30 बोरी ले सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लॉस एंजलिस मशीन किस लिए यूज की जाती है। तो लॉस एंजलिस मशीन बेसिकली जो है हार्डनेस टू डिटरमाइन हार्डनेस एब्रेजन वैल्यू मीन्स अवघर्षण क्षमता या फिर कठोरता जो है इसे ज्ञात किया जाता है। अब ये देख पा रहे होंगे आपका ये इस प्रकार का ये सिलेंडर होता है, आपने डिप्लोमा में या तो बीटेक में आपने इसका जो है एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू निकाला होगा लॉस एंजलिस टेस्ट से। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी मात्रा में इसकी बाल्स की यूज की जाती हैं, ये भी कई जगह क्वेश्चन पूछा गया। तो चार्ज ऑफ 11 बाल मतलब 11 जो होते हैं इसमें स्टील की बॉल का यूज किया जाता है जिनका डाया जो है 47 mm का होता है और वेट जो है इनका 390 से 445 ग्राम के बीच होता है। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ जो है आप 70 सेंटीमीटर होती है और जो इसका विड्थ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कुछ इसकी वैल्यूज़ को भी ध्यान रखिए कि इस अगर आप WBM वाटर बाउंड मैगडम सरफेस रोड है तो उसके लिए जो लॉस एंजलिस की वैल्यू होती है वो 60 होती है और WBM का बेस कोर्स अगर जो है तो वो इसके लिए इसकी एब्रेजन वैल्यू जो है 50 हो रखी जाती है। बिटुमिनस और बाउंड मैकडम के लिए भी 50 होती है, WBM सरफेस कोर्स के लिए 40 होती है और बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकडम के लिए 40 होती है और बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग सीमेंट कंक्रीट कोर्स के लिए इसकी वैल्यू 35 होती है। लेकिन जो बिटुमन का ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बिटुमन के लिए अगर कोई रोड है तो उसके लिए जो लॉस एंजलिस की वैल्यू होती है वो 30 होनी चाहिए। कुछ और जान लेते हैं कि और कौन कौन से टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है। तो कुछ कंक्रीट के टेस्ट हैं वो इस प्रकार है। पहला जो आपका टेस्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एब्रेजन टेस्ट, इससे हम हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस जो है पता करते हैं, हार्डनेस एंड वियरिंग रेजिस्टेंस पता करते हैं। एक ये आपका इसे एब्रेजन टेस्ट डोरी टेस्टिंग मशीन से किया जाता है, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट होता है एट्रीशन टेस्ट जिसे डेबल टेस्टिंग मशीन से किया जाता है और ये बेसिकली हार्डनेस टफनेस और रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस को जो है पता करता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, इसमें टेस्ट से बेसिकली हम सॉल्युबल मिनरल्स और मडी मैटर मीन्स आपका उसमें जो है मृदा का क्या वैल्यू है, मात्रा कितनी है
वो हम इसमें पता करते हैं। नेक्स्ट इसी में टेस्ट में आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से हम ड्यूरेबिलिटी पता करते हैं, और हार्डनेस जो है हम हार्डनेस टेस्ट जिसको हम मोर्स स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम हार्डनेस पता करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट से हम टफनेस पता करते हैं किसी भी एग्रीगेट का, और इसके लिए जो मशीन यूज की जाती है वो बाई पेज इम्पैक्ट मशीन इसका नाम है, इससे पता किया जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो एग्रीगेट का होना चाहिए वो आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम अच्छा स्टोन या फिर अच्छा एग्रीगेट मानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनसॉल्यूबल सीमेंट रेजिड्यू शुड बी, मीन्स जो आपका अघुलनशील अवशेष होना चाहिए सीमेंट में वो कितना होना चाहिए। तो आप इसका आप यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे इसका आंसर जो है यहाँ पे 1.5% जो है आयोग ने माना हुआ है, बस इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है कि वेट जो इंडियन स्टैंडर्ड 2015 जो रिवाइज्ड स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि 5% से ज़्यादा जो है ओपीसी ग्रेड अगर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो 3343 ग्रेड के लिए एंड 53 ग्रेड के लिए 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओपीसी के लिए आपका 43S है और 53S है तो उसके लिए 2% नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ मैग्नीशिया जो है 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट आंसर जो यहाँ पे आप चार ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इन चारों ऑप्शनों में जो क्लोजेस्ट आंसर है 1.5 है, इस वजह से इसका आंसर नंबर डी आपका सही है, लेस देन 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टेकन, मीन्स अगर ईंट की जो है लेंथ को चेक करना है तो आप कितनी ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रेचर की डायरेक्शन में ईंटों को लगाया जाता है, और टोटल जो नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होती हैं वो 20 ब्रिक्स का यूज किया जाता है। इसके लिए जो कोड यूज होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड 1077 जो है कोड यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसके लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए जो इसका डायमेंशन है 20 ईंटों को आप स्ट्रेचर से दिशा में अगर बिछाते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो 380 सेंटीमीटर या प्लस माइनस 80 mm हो सकता है। विड्थ की बात करें तो 180 प्लस माइनस 40 mm हो सकता है, एंड हाइट की बात करें तो 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दो डायरेक्शन में अगर आप कर रहे हैं, तो अगर 9 सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो आपको 180 सेंटीमीटर एंड प्लस माइनस 40 mm, और अगर हम 4 सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर प्लस माइनस 20 mm। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार इसमें जो है इसका सही आंसर था फोर्थ क्वेश्चन का कि 20 ब्रिक्स यूज की जाती हैं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे कहा है इन्होंने कि रेट एनालिसिस के लिए कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना लिया जाता है। तो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% लिया जाता है। इसके कुछ और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की बात करें तो वो पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का या किसी भी बिल्डिंग का जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 10% लिया जाता है, और आकस्मिक व्यय जो होता है मीन्स इमरजेंसी जो आपके इंटिजेंसी चार्जेस जो होते हैं वो 3-5% होता है। पानी का जो चार्ज लिया जाता है वो 1.5% लिया जाता है 1.5%, और स्वच्छता के साथ पानी का शुल्क जो है 5-8%। विद्युतीकरण ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के जेई में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेट का विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए जो चार्ज किया जाता है वो 8% लिया जाता है, कि पूरी कास्ट मान लीजिए कि आपका जो भी है उसका 8% उस पर उस भवन में बिजली को लगाने का खर्च आएगा। और एक होता है कार्य प्रभारित स्थापना वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट, तो इसके लिए आपका 1.5% लिया जाता है। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारा जो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर था वो 10% था। छठा क्वेश्चन है हमारा कि थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली, तो हमेशा याद रखिए कि सामान्य कार्य के लिए जो प्लास्टर होता है वो 12 mm लिया जाता है। अगर आधी ईंट मोटी दीवार है कोई तो उसके लिए हम 15 mm करते हैं, और छत जो होती है छत के नीचे अगर प्लास्टर करना है अनइवन सरफेस है तो उसके लिए जो हम 6 mm का करते हैं। ये छत के लिए जो है आपका SSC JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीलिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। तो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि नो डिटेक्शन इज मेड फॉर प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स अप टू, मीन्स कब आप जो है अगर प्लास्टर का काम कर रहे हैं तो कब आप जो है इसमें कोई डिटेक्शन कोई कटौती नहीं करेंगे। तो यहाँ प्लास्टरिंग से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देख लेते हैं। तो नो डिटेक्शन इज मेड फॉर द एंड ऑफ बीम्स, मतलब अगर बीम के किनारे हैं या फिर पोस्ट है या फिर राफ्टर अगर यूज किया गया है तो वहाँ पर कोई आप कटौती नहीं करेंगे। अगर फॉर, अब यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया नो डिडक्शन इन प्लास्टरिंग इज मेड, मीन्स अगर 0.5 मीटर स्क्वायर तक का कोई भी एरिया है तो उसके लिए आप कोई भी कटौती करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पूरा ही एज्यूम कर सकते हैं। और यही हमारा क्वेश्चन भी था कि प्लास्टर की नपाई के लिए छोटे इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, तो स्मॉल ओपनिंग्स के लिए हमारा सही आंसर हो गया 0.5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ना कुछ और भी क्वेश्चन जान लेते हैं हम जो बन सकते हैं। तो फॉर द ओपनिंग ऑफ साइज 0.5 मीटर से अगर 3 मीटर स्क्वायर तक का अगर कोई भी ओपनिंग है, कोई भी खाली स्थान है, तो उसके लिए जो डिडक्शन किया जाएगा, कटौती की जाएगी, वो एक फेस पर किया जाएगा। इसी प्रकार अगर ओपनिंग साइज 3 मीटर से स्क्वायर से ज़्यादा है तो बोथ ऑन बोथ फेसेस ऑफ द वॉल बट एरिया ऑफ द सील जैम्स एंड सॉफिट ऑफ द ओपनिंग इज एडेड, मीन्स अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप दोनों सिरों पे जो है आप कटौती करेंगे और उनको जैम जो पाखे होते हैं या सोफिट होता है उस पर आप उसको कंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाते हैं हम। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि चिनाई में पूछ ले कि कब आप डिडक्शन नहीं करेंगे, वो तो प्लास्टरिंग था, अब चिनाई में भी जान लेते हैं कि देखिए अगर नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग मेसनरी वर्क्स, अगर कोई भी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का या फिर 0.1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है और वहाँ पर अगर चिनाई में कोई खाली स्थान आप छोड़ रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कोई कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बीम है, उसका राफ्टर है और 500 स्क्वायर सेंटीमीटर से 0.0 स्क्वायर मीटर सेक्शन में है तो वहाँ पे भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ बियरिंग ऑफ बालकनी छज्जा एंड द वर्क एक्सटेंडिंग अप टू 10 सेंटीमीटर डेप्थ, तो अगर 10 सेंटीमीटर से अधिक का कोई छज्जा है तो भी उसके लिए भी आपको डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, आप सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल इन्होंने पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग टू प्रिवेंट एक्युमुलेशन एररीज, तो प्रिंसिपल मतलब सर्वेक्षण का जो है इन्होंने सिद्धांत क्या है वो पूछा है इन्होंने। तो जानते हैं सर्वेक्षण के दो सिद्धांत हैं आपके, कि पहला है कि आपका संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर आप सर्वेक्षण करेंगे त्रुटि से बचने के लिए, और दूसरा कि किसी भी पॉइंट को कम से कम दो पहले से ज्ञात पॉइंटों के सापेक्ष आप उसी की स्थिति का आप निर्धारण करेंगे। नौ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे इन्होंने पूछा है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चैन, मीन्स 30 मीटर की चैन में एक कड़ी की जो है लंबाई कितनी होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक चैन है जो आपको ये दिख रह पा रही होगी, ये एक मीट्रिक चैन है, ये बेसिकली 30 मीटर की चैन है। तो हमेशा याद रखिए कि 30 मीटर की चैन में अगर 30 मीटर की चैन है, चूँकि क्वेश्चन में इन्होंने 30 मीटर चैन कह दिया है, तो 30 मीटर की चैन में 150 लिंक होती है और हर एक कड़ी मीन्स हर एक लिंक, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये एक लिंक है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो आपकी लंबाई होती है वो आपकी 20 सेंटीमीटर होती है, या तो आप इसे 0.2 मीटर भी कह सकते हैं। और भी एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर एक मीटर पे ये एक आप देख पा रहे हो ये छोटी सी सर्कल लगी होती है जिसे ब्रास रिंग कहते हैं, और ये हर एक मीटर पे एक गोल छल्ला लगा होता है जिसे ब्रास रिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और हर एक 5 मीटर पे ये एक टल्ली लगी होती है। अगर ये एक सिंगल एक टल्ली लगी है तो इसे 5 मीटर कहते हैं, अगर इसे दो प्रकार से इस प्रकार से कट कर दिया जाए तो ये 5
और मीटर पे एक टल्ली, तो 2 मीटर पे आपकी 10 टल्ली, और ये आप 3 कट कर दिया गया है इस प्रकार से, तो ये आपकी 15 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 150, अगर 30 मीटर की चैन है, 30 मीटर की चैन है तो उसमें जो है आपकी 150 लिंक हो गई, मीन्स 150 कड़ियों की संख्या हो गई। अगर 20 मीटर है, ठीक है, तो उसमें आपकी टोटल जो है 100 लिंक होती है, और हर एक लिंक दोनों में 20 सेंटीमीटर या तो 0.2 मीटर की रखी जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, नाउ अब कुछ और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उसके भी बारे में जान लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ चैन, जैसे इंजीनियर्स चैन है तो वो 100 फीट की लंबी होती है और उसमें 100 लिंक आते हैं, और हर एक लिंक जो है आपका 100 फीट का होता है, सॉरी 1 फीट का एक लिंक होता है, तो 100 लिंक है तो 100 फीट का हो गया। सेकंड है आपका गंटर चैन, गंटर चैन 66 फीट लंबी होती है और इसमें भी 100 लिंक होती हैं, और हर एक लिंक जो है आपकी 0.66 फीट की होती है। थर्ड जो चैन होती है उसे मैट्रिक चैन कहते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया ये 20 मीटर या 30 मीटर की हो सकती है। 20 मीटर में ये आपकी 100 लिंक होती है और हर एक लिंक जो है हर एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की होती है, और 30 मीटर की चैन में आपकी 150 लिंक होती है और हर एक जो है 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू चैन। ठीक है, रेवेन्यू, इसे राजस्व चैन भी बोलते हैं। ये उसकी जो पूरी लंबाई होती है वो 33 फीट में आती है और इसमें 16 लिंक होते हैं, और हर एक लिंक जो है 33/16 या फिर 1/16 फुट की एक लिंक, एक कड़ी की लंबाई होती है। नाउ दसवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दसवां क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि इफ़ रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन इज एन 87 डिग्री वेस्ट, इट्स होल सर्किल बियरिंग विल बी। ठीक है, मीन्स इन्होंने कहा कि अगर NW में कोई भी जो बियरिंग दिया है, किसी प्रिज्मेटिक कंपास की जो बियरिंग दिया है, N 87 डिग्री वेस्ट है, तो इसका पूर्ण वृत्त दिक्मान क्या होगा। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, चलिए अब इसको ओके नाउ नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन में, तो इसको जो है RB2 क्वाड्रेटिंग बेयरिंग या फिर रिड्यूस्ड बेयरिंग RB या तो QB भी इसे कहते हैं कहीं कहीं पे, तो इसको WC में बदलने का ये एक नियम है, उसको आपको याद रखना है। अगर RB की वैल्यू, RB का जो एंगल है NE है, NE आप समझ रहे हैं, मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये NE हो गया और आपका इधर वेस्ट डायरेक्शन होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई बियरिंग NE डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे कोई बियरिंग है, तो उसको अगर ये रिड्यूस्ड बियरिंग में दिया है, तो इसको क्वाड्रेंट या होल सर्कल बियरिंग में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दिया है उसे आप हूबहू रख देंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये N87W की जगह, अगर इसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर N87W की जगह अगर इसने ये दे दिया होता कि N87E, तो यहाँ पे हमारा जो होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू होती वो डायरेक्ट हम जो है 87 डिग्री लिख देते, तो वही हमारी बियरिंग हो जाती है। अब चूंकि हमें इन्होंने 4th क्वाड्रेंट में दिया है, 4th क्वाड्रेंट में दिया है N θ W, मीन्स N 87 डिग्री, तो अब हमेशा याद रखिए कि इसमें हमें फाउंड आउट करने के लिए हमें क्या नियम है WC में बदलने के लिए, कि 360 से आप रिड्यूस्ड RB के जो वैल्यू दिया है आप उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो देखिए हम इस तरीके से क्वाड्रेंट, चूंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो हमने 360, ठीक है, माइनस 87 डिग्री, ये NW में था तो हमने इसको माइनस कर दिया, जो कि हमारा आया 273 डिग्री। तो चूंकि 273 डिग्री इसमें नहीं दिया है, आयोग ने, UP SSC ने जो है इसका आंसर 287 माना है, जो कि बाद में जब आपने रिवाइज्ड आंसर की आई थी तो इसको क्वेश्चन गलत माना गया था। जो इसका सही आंसर होगा वो 273 डिग्री होगा, जो कि आपने देख सकते हैं, जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी उसमें आयोग ने क्वेश्चन नंबर 10 को गलत माना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने पूछा है कि इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग द प्लॉटिंग ऑफ इन एक्सेसिबल कैन कन्वेंटली डन बाई, इन एक्सेसिबल पॉइंट के लिए आप प्लेन टेबल में कौन सा सर्वे यूज करें, प्लेन टेबल सर्वे में कौन से मेथड का यूज करेंगे।
आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में पहला जो मेथड होता है वो हमारा रेडिएशन मेथड होता है, और ये मेथड जो है स्मॉल ओपन एरिया के लिए किया जाता है, जहाँ सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड जो होता है हमारा वो इंटरसेक्शन मेथड होता है। इट इज, आप ये देख सके देख पा रहे होंगे, इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर इनएक्सेसिबल। तो हम इनएक्सेसिबल हमारा क्वेश्चन में भी पूछा था, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मेथड, मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी में कुछ हो जाते हैं, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो जैसे कि रिवर है जहाँ आप पहुँच नहीं, इनएक्सेसिबल का मतलब है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं। अब नदी में आप खड़े होकर सर्वे नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पे जो है इंटरसेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। कैनाल हो गई, किसी भी नहर हो गई, कोई नदी हो गई, या कोई क्रेस्ट हो गई, पर्वत हो गई, हिल हो गई, चट्टान, या फिर ऐसा कोई भी स्टेशन जो कि दिख तो रहा है लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, मीन्स वहाँ पे आज जाके नहीं कर सकते, तो उसे हम इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा उसकी सर्वेइंग, सॉरी प्लेन टेबल से सर्वे उसका करते हैं। नेक्स्ट एक मेथड है आपका रिसेक्शन मेथड। तो रिसेक्शन मेथड जो है ये तब यूज किया जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज़ द मेथड ऑफ लोकेटिंग अ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय अ प्लेन टेबल वेयर पोजीशन ऑफ स्टेशन हैज़ नॉट बीन अर्लियर प्लॉटेड ड्राइंग शीट और ऑक्यूपाइड अदर स्टेशंस। मीन्स इसका तब प्रयोग करते हैं जैसे कि कोई दो पॉइंट पहले से आपको पता है और उसका तीसरा पॉइंट आपको उसके सापेक्ष पता करना है लेकिन वो खो गया है, तो इस प्रकार से हम उस ऐसे मेथड्स में हम रिसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, आपने सर्वेइंग में पढ़ा होगा, टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम जो है रिसेक्शन मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग जो है एक आपका द मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग विच इम्प्लाइज द प्लेन टेबल रिफर्ड टू अ प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग। ये मतलब एक बंद चक्रम है जो आपका सर्वे जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से क्लोजिंग जो है एंगल मिल जाए उसके लिए ये ट्रेवर्सिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपका कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड, मीन्स समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो समोच्च रेखा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने पूछा कि द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई का वैल्यू दिया है इन्होंने, कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर भी दिया है इन्होंने 30 डिग्री, और हमसे पूछा है इन्होंने, सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का वैल्यू हमसे पूछा है। तो एक्टिव प्रेशर आप जानते हैं, एक्टिव प्रेशर की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, वन पी ए, पी ए इक्वल टू वन माइनस साइन फाई अपान वन प्लस साइन फाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ फाई की जगह इंटरनल फ्रिक्शन इन्होंने 30 डिग्री दिया है, जब आप ये वैल्यू रख देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द एंगलिंग ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर कोहेसिव सॉयल, मैं ससंजनहीन मृदा में आपका जो इंटरनल फ्रिक्शन आंतरिक घर्षण कोण होता है वो कितना होता है, तो आपको बता दूं कि ये वैल्यू जो होती है आपकी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने पूछा है कि प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉयल इज इक्वल टू, मीन्स प्लास्टिक इंडेक्स की कफ जो है फार्मूला क्या होता है, कुल मिला के ये पूछना चाहता है। तो प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू होता है, प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू जिसे आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स कहते हैं, जिसे हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही जो वैल्यू हो जाएगी, जो सही इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक सीमा, मतलब द्रव सीमा माइनस सुघट्य सीमा। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको हम जान लेते हैं। इसी में अगर लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ ले, तो लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू होता है आपका वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स, इसे हम आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन इंडेक्स प्रॉपर्टी या प्लास्टिक इंडेक्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जो जाता है आपसे वो ये क्वेश्चन है टफनेस इंडेक्स।
तो आप जान लीजिए कि आई टी इजक्वल टू टफनेस इंडेक्स को आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई टी इजक्वल टू होता है प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। इसे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, इसे बोलते हैं प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत एसएससी जेई में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ओके, कुछ वैल्यू भी जान लेते हैं हम, चूँकि इन्होंने प्लास्टिक इंडेक्स पूछा है तो प्लास्टिक इंडेक्स जान लेते हैं, कुछ इससे भी रिलेटेड बातें। तो प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो वो नॉन प्लास्टिक है, नॉट प्लास्टिक सैंड है, जैसे सैंड ग्रेवल हो गई, तो ये सब इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती। आप इनको जो है अगर 3 mm में रोल करेंगे तो ये रोल नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे बालू या फिर गिट्टी, ग्रेवल को आप गिट्टी में ले सकते हैं, अगर आप इन्हें जो है चाहें कि मिट्टी की गुथाई कर लें तो नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन प्लास्टिक है। अगर आईपी की वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, तो उसे आप लो प्लास्टिक कहेंगे, और अगर 7 से 17 है तो इसे मीडियम प्लास्टिक कहते हैं, और 17 से ज़्यादा है तो इसे हाईली प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मैं इसमें भी डिटेल्ड, बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको ये विधिवत जानकारी आपको जिस टॉपिक से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उससे और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इसको भी कंसिडर करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं इसे 2 पार्ट में करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ हम यूपी स्पेशल जीके के भी बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत जल्द ही। ठीक है, अब आपको आज से रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 की ओर रुख कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा हमसे इन्होंने, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसे कहते हैं? तो कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन की तौर, तो इस कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को D60/D10 के रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, CU इज़ ग्रेटर दैन 6, तो इसे वेल ग्रेडेड सैंड बोलते हैं। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर दैन 4 है तो इसे वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलते हैं। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, 2018 में भी इससे पूछा गया था क्वेश्चन, कि CC इजक्वल टू क्या होता है, जिसे हम समानता वक्रता गुणांक बोलते हैं, इसे कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो CC इक्वल टू होता है D30² / D60 × D10। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 1 से 3 के बीच लाई करती हैं। एक बात और इसी से रिलेटेड जान लीजिए कि D10 जो है, D10 को हम इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल भी कहते हैं। ओके, नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमसे इन्होंने पूछा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो इन्होंने पूछा है हमसे कि मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल क्या होता है, मींस क्ले के पार्टिकल का अधिकतम जो है माप क्या हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि सॉइल से डिफरेंट जो सॉइल है उनके पार्टिकल माप जान लेते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इस टॉपिक से। तो क्ले का जो साइज होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है। सिल्ट की अगर हम बात कर लें, सिल्ट की, तो ये 0.02 mm से लेकर 0.075 mm तक होता है। सैंड की बात कर लें तो सैंड की जो वैल्यू होती है वो 0.75 mm से लेकर 4.75 mm तक होती है। ग्रेवल की बात कर लेते हैं तो ग्रेवल की जो वैल्यू होती है 4.7 mm से लेकर 80 mm तक के इसके साइज होते हैं इसके पार्टिकल के। कोबल्स की बात कर लें हम, तो कोबल्स जो है 80 mm से आपका 300 mm तक होता है, और बोल्डर जो है 300 mm से अधिक माप का जो भी सॉइल पार्टिकल होता है उसे हम बोल्डर कहते हैं, ओके, नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ साल्ट इज एडेड इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, किसी भी पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उस पानी में आप नमक मिला देते हैं। तो नमक मिलाने से हमेशा याद रखिए कि इसका जो है कंटामिनेशन, ठीक है, बढ़ जाएगा, जिससे कि इसके सरफेस टेंशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड राइजेज, ये क्यों राइज हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ अ लिक्विड विच रेजिस्ट एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ
फोर्स टू द लिक्विड सरफेस। इन केस ऑफ सॉल्यूट मिक्सिंग वाटर देन सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंटामिनेशन। मीन्स अगर जैसे जैसे आप कंटामिनेशन या फिर कोई भी बाहर की तरह ऐसी चीज मिला रहेंगे तो इससे क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। ठीक है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इस लाइन को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ये लाइन पे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन बाय द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन सोडियम कैटायन एंड पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स उनके जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो पानी के कण हैं उनके बीच जो बल लगा हुआ था वो टूट जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका लेवल अप हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो है इसका मेन जो है आपका ये है, ठीक है, जो मेन इसका क्राइटेरिया है बढ़ने का। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन्होंने कहा कि व्हेन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कंसाइड द फ्लोटिंग बॉडी विल बी। ठीक है, तो आप इसका देख पा रहे होंगे, इसका आंसर पिछले क्वेश्चन का था कि साल्ट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन्होंने पूछा है कि जब मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, मेटा सेंटर और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बिंदु पर मिल जाए तो वो कौन सी कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि व्हेन एम इज अबव जी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एम कोइंसिडिंग विद जी। एम क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेटासेंट्रिक हाइट हो गया, यहाँ पे ये मेटासेंट्रिक हाइट है, और आपका साथ ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक ही सीधी रेखा पे, जो कि ये रेखा है, अगर इस पर कोइंसाइड करती है तो ये न्यूट्रल कंडीशन होती है। ठीक है, उदासीन की होता है इसमें, ना तो ये तैरेगा ना तो ये डूबेगा, ये अनस्टेबल की कंडीशन हो जाएगी, और जब M जो है कोइंसाइड विद G हो जाएगा, ये कंडीशन है आपका, तो ये न्यूट्रल है, इसमें ना बॉडी, जो भी बॉडी है वो ना डूबेगी और ना तो फ्लोट करेगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस है आपका। सेकंड केस स्टेबल का है, आप जब क्या होगा, मेटासेंट्रिक हाइट ऊपर हो जाएगा आपका और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका नीचे हो जाएगा, तो इसे स्टेबल कंडीशन कहते हैं। अनस्टेबल तब हो जाएगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाए आपका और मेटासेंट्रिक हाइट उसके नीचे हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब एम इज अबव जी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एम कोइंसाइड विद जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, और एम इज बिलो जी तो आपका ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ओके, नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे इन्होंने पूछा है कि पाइप फ्लो इन अ पाइप इज लेमिनार इफ द रेनॉल्ड नंबर इज, मींस अगर पाइप फ्लो में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी कि वह लेमिनार फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो ये होता है, आर इक्वल टू रो वी आर अपॉन म्यू सी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डिफिनेशन कहा जाता है ये इनर्सिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो ये फ्लो जो है लेमिनार कहलाएगा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा है तो ये टर्बुलेंट कहलाएगी, और 2000 से 4000 है तो ये ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा वो ए हो जाएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम्स में, जो पूछा जाता है कि ओपन चैनल फ्लो से आपका पूछा जाता है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कब क्या होगी कि उसे आप लैमिनार ट्रांजिशन या टर्बुलेंट कब कहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से कम है तो ऐसे फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं, 500 से 2000 के बीच है तो उसे हम जो है ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं, और 2000 से अधिक है तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि व्हेन वेरियस फ्लूड पार्टिकल्स मूव इन जिग जैग द फ्लो इज कॉल्ड।
मीन्स अगर कोई भी प्रवाह हो रहा है लिक्विड का, कोई फ्लो हो रहा है, और उसमें अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो एक सीधी पथ रेखा पे को फॉलो ना करके अगर जिगजैग मोशन में फॉलो कर रहे हैं तो उस फ्लो को क्या कहते हैं? तो उस फ्लो को हम बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, जिसे जो है टर्बुलेंट फ्लो भी इंग्लिश में कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं, फ्लूड फ्लो होते हैं, क्योंकि इससे भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक होता है आपका स्टेडी फ्लो, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला है आपका स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में जो है कोई भी फ्लो जिसका वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी हर एक पॉइंट पे समय के साथ चेंज नहीं होता है तो उसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। एक इसमें अगर मैं हिंदी में इसको जो है याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं आपको, तो यस से स्टेडी होता है, यस से समय आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, और समय के साथ अगर उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। अनस्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें उसका वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी चेंज हो जाता है समय के अनुसार, समय के चेंज होने पर, तो उसके उस फ्लो को हम अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें हम, तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। मीन्स अगर लेंथ के चेंज करने पे अगर उसमें कोई भी उसके फ्लो में वेलोसिटी में उसके चेंज नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है समय के साथ जो है उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है, उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं? तो लैमिनार फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूड पार्टिकल मूव अलॉन्ग वेल डिफाइंड पथ। मीन्स एक सीधी रेखा को यह पथ को फॉलो करता है, या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो करता हुआ सेम पथ पे, सेम जो है रास्ते पे बहता है, तो उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में आ जाते हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो की बात करें हम, तो टर्बुलेंट फ्लो इज़ दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूड पार्टिकल मूव इन जिगजैग वे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी लॉस। यह जो है हाई एनर्जी लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर कोई भी फ्लूड पार्टिकल एक सीधी रेखा को ना फॉलो करके जो है आगे पीछे या फिर इधर उधर, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का अगर ये इस टाइप को फॉलो कर रहा है तो आपका इसे हम विक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर स्टोन रोड ऑन साइड रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे, ठीक। मिस इसमें ये कहना चाह रहा है कि रोड का किलोमीटर अगर जो है रोड का कलर हाईवे पे, मतलब हाईवे पे है, तो उसमें जो किलोमीटर लिखा रहता है, मान लीजिए कुछ भी लिखा है कि प्रतापगढ़ 40 किलोमीटर, इलाहाबाद जो है आपका 20 किलोमीटर, तो उसका कलर जो है हाईवे पे, हाईवे की अगर वो रोड बनी है हाईवे पे तो उसका कलर किस कलर होगा? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि ना पियो हंस के बीड़ी। ना से हो गया आपका NH और पी से हो गया आपका पीला। मीन्स अगर नेशनल हाईवे है तो हाईवे में उसका जो कलर होगा वो पीला होगा। हंस के तो मीन्स ह से हरा हो गया, और यस से स्टेट हाईवे, मतलब किसी भी राज्य सड़क से आप गुजर रहे हैं तो उसका जो किलोमीटर होगा वो हरा कलर से होगा। ब्लैक की बात करें तो बीड़ी, बी से ब्लैक हो गया और डी से डिस्ट्रिक्ट हो गया। मीन्स अगर किसी जिला की रोड पे आप चल रहे हैं तो वहाँ पे जो किलोमीटर के साइन लगे होंगे, साइन बोर्ड लगे होंगे, उनका जो कलर होगा किलोमीटर का वो ब्लैक में होगा। स्टेट में है किसी स्टेट हाईवे को, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ रही है, तो जैसे आप यूपी से आप बिहार जा रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई नेशनल हाईवे है, सॉरी स्टेट हाईवे है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रहा है, तो उसे जो है हम देखेंगे कि उस पे जो किलोमीटर के प्रदर्शित होगा वो हरे कलर से पेंट होगा। और अगर इसी प्रकार हम पीले की बात कर लें तो पीला कलर जो है नेशनल हाईवे जो है एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र जो जोड़ता है, तो उस नेशनल हाईवे पे वो पीले कलर से उसका जो है पीछे का भाग या फिर अपर पार्ट जो है पेंट किया हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द विड्थ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23, द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इज। तो अब आ जाते हैं कि मीन्स पहले आप जान लीजिए कि ब्रॉड गेज क्या होता है, गेज क्या होता है।
तो ये है आपका गेज, मीन्स किन्हीं भी दो रेल पटरियों के ऊपरी, जिस पर रेल चलती है उसके ऊपरी सिरे के अंदर से अंदर की डिस्टेंस को हम इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ गेज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ ब्रॉड गेज की, तो ब्रॉड गेज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रॉड गेज के बारे में बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो ब्रॉड गेज में जो इसकी लंबाई होती है वो 1676 mm होती है। चूँकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, ये 1.676 मीटर है, तो आप इसे 1676 mm को 1000 से भाग देंगे तो आप ये 1.676 जो है मीटर आएगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1.676 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट होता है मीटर गेज, तो मीटर गेज अगर है तो उसका जो है आपका 1 मीटर होता है। ठीक है, और अगर नैरो गेज की बात करें हम, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.762 मीटर होती है। और इसी पास एक लाइट गेज होता है, जिस पर आप देख पा रहे होंगे कि मेट्रो वगैरह चल रही है, या फिर नैरो गेज पे आप देख रहे होंगे और लाइट गेज पे एक मोनो रेल मुंबई में चलती है, वो सभी इन गेज पर चलती है। लेकिन जो हैवी लोड्स को, जैसे कि जो आप कर सकते हैं लगेज, जैसे कोयला वगैरह की जो गाड़ियाँ होती है, माल गाड़ी होती है, वो ब्रॉड गेज पर ही चलती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो लाइट गेज है हमारा ये आपका, जिसकी जो लेंथ होती है, गेज की जो लंबाई होती है दो रेल पटरियों के बीच के अंदर से अंदर की आपसी जो दूरी होती है उसे हम लाइट गेज कहते हैं, वो 610 mm होता है। ठीक है, या लाइट गेज को फीडर गेज भी कह सकते हैं, आप इस टेबल में इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो इस क्वेश्चन में आपका ब्रॉड गेज पूछा गया है, एक जो है 2018 में मीटर गेज भी पूछा गया था, जिसकी वीडियो जल्द ही आपके पास आएगी तो आप उसको भी क्लियर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने पूछा है कि द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर द रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट इन्होंने पूछा है किस सरफेस के लिए, तो प्लेन सरफेस के लिए एज़ पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस। तो एज़ पर IRC आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन में आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन में इन्होंने पूछा है, तो प्लेन के लिए होता है हमारा, प्लेन में रूलिंग ग्रेडियंट पूछा इन्होंने, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला है। ठीक है, 1 in 30 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर लिमिट मैं बात करूँ टाइप ऑफ ट्रेन, यहाँ आप देख सकते हैं और उसके अनुसार जो है क्या ग्रेडियंट होना चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहली नंबर प्लेन और रोलिंग की बात करूँ, तो अगर रोलिंग ग्रेडियंट ही इसका 1 in 30 होता है, अगर परसेंटेज में आप इसे चेंज करेंगे तो 3.3% हो जाएगा। लिमिटिंग अगर ग्रेडियंट की बात करें तो ये 1 in 20 होता है, और एक्सेप्शनल बात करें 1 in 15 होता है। ये किसके लिए होता है, तो ये प्लेन के लिए होता है। अगर माउंटेनियस है, पर्वत पे अगर कोई बना है, या स्टीप ट्रेन है, बहुत ढालू क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 1 in 20 या 5%, 1 in 16.7% या 6%, और 1 in 14.3 या आप 7% कह सकते हैं। एंड लास्ट होता है आपका 13, एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर, तो 3000 मीटर से ऊपर का अगर कोई भी ट्रेन है, तो टेरेन है मीन्स क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो ग्रेडियंट दिया जाता है 1 in 16.7 या फिर 6%, या 1 in और लिमिटिंग की बात करें तो 1 in 14.3 या 7%, एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए 1 in 12.7 या फिर 8% लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 होने वाला है। तो इसमें पूछा है कि द मैक्सिमम अलाउएबल सुपर एलिवेशन इज, तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ है टाइप ऑफ ट्रेन, ठीक है, टाइप ऑफ टेरेन, टेरेन मतलब क्षेत्र होता है, और ई मैक्स मतलब यह है आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो जो मैक्सिमम होता है आपका प्लेन एंड रोलिंग के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है कि किस टेरेन के लिए है ये, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वन द मैक्सिमम अलाउएबल सुपर एलिवेशन, तो मैक्सिमम जो अलाउएबल सुपर एलिवेशन है वो हमारा हिली रोड के लिए 10% होता है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 7% होता है, और अर्बन रोड के लिए 4% होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 in 18 UP SSC ने जो है 1 in 18 को माना हुआ है। ठीक है, ओके, अब प्लेन के लिए हमेशा याद रखिए कि आपका 1 in 15 होता है। ठीक है, या इसे ई मैक्स भी कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाता है।
ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने पूछा है कि मैन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच, तो मैन होल मीन्स कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो मैन होल जहाँ पे भी रोड अगर बेंड हो रही है या पाइपलाइन बेंड हो रही है वहाँ मैन होल दिया जाता है, ताकि कई दिशाओं से आ रही जो सीवर पाइप है उसको वहाँ पे चेक किया जा सके और सफाई भी किया जा सकते। जंक्शन जहाँ पे भी दो अलग अलग सीवर लाइन मिल रही हैं या उनके ढालों में परिवर्तन हो रहा है, तो इन सभी जगहों मैन होल जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है इन्होंने कि द सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज इज, मीन सीवेज में जो सीवेज में ठोस कण की मात्रा क्या होती है। तो सीवेज में ठोस कण की मात्रा केवल 1% होती है, 99% जो है उसमें जल होता है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा है कि द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक, तो जो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, मीन्स अगर आप किसी भी पानी का तापमान या किसी भी सीवेज का या फिर में अगर बैक्टीरिया है और उसका अगर तापमान आप बढ़ाएंगे तो उसमें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी, क्योंकि तापमान अधिक पाने पर उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है अगर बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो मीन्स पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है वो उसको ज़्यादा कंजप्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे क्या होगी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार मार्क है नोट में, आप देख सकते हैं बिकॉज इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज बैक्टीरिया ग्रोथ रेट इंक्रीजेज एंड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज। ठीक है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा तो आपका जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन्होंने कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10/500/2012 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, आयरन की मात्रा क्या होगी होती है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, ये है हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट है और ये जो है हमारा परमिसिबल लिमिट है, जिससे ज़्यादा आप परमिट नहीं होने देंगे। तो हमें पहले क्वेश्चन में पूछा है हमें आयरन की मात्रा, तो आयरन जो है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए नो रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से कम ही होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम की बात कर लें तो एल्युमिनियम की जो मात्रा होनी चाहिए 0.03 मिलीग्राम पर लीटर है और ये वैल्यू एक्सेप्ट की जा सकती है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर तक। क्लोराइड की बात कर लें तो ये 250 मिलीग्राम पर लीटर से आप अगर एक्सेप्टेबल लिमिट 250 मिलीग्राम पर लीटर है, बट इसको एब्सेंस अगर जो है 1000 से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। फ्लोराइड की बात कर लेते हैं तो 1 मिलीग्राम पर लीटर और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह एक्सेप्टेंस लिमिट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्टेंस लिमिट है और ये वो लिमिट है जिसके बाद आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, उस वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। तो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की बात है और शेष क्लोरीन की मात्रा, तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है और इसको रिजेक्ट करने का जो लिमिट है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिनोलिक कंपाउंड। ये है, याद रखिएगा, 2018 के यूपी ट्रिपल एस सी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेके आऊँगा तो आप वहाँ पर इसको देख पाएंगे। ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड, तो ये आपका इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट है, वो 0.001 मिलीग्राम पर लीटर है और अगर 0.002 मिलीग्राम पर लीटर से अगर अधिक हो रहा है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके नाउ एक लास्ट बच रहा है हमारा पास नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन जो है नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने पूछा है एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ NOT नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब जो है आपकी अधिकतम मात्रा जो है एयर में कितनी परमिसिबल है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक, ये टाइम वेटेड एवरेज है और ये कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए होना चाहिए और सेंसिटिव एरिया के लिए क्या होना चाहिए। तो हमसे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में NO2 के लिए, तो हम आ जाते हैं NO2 की तरफ। ये रहा हमारा NO2 के लिए जो आप
आपका जो मैक्सिमम लिमिट है, और इन्होंने पूछा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया के लिए पूछा है, तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए हम आ जाते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारी कितनी है, ये हमारी लिमिट है आपकी 60, ठीक है, ओके। नाउ 60 है, बट एक और ये ध्यान दीजिएगा, ये रेजिडेंशियल एरिया के लिए है, तो 16 जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31 आरसीसी से क्वेश्चन है कि टी बीम, आरसीसी के टी बीम वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि द ब्रिथ ऑफ रिब इन अ टी बीम शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू द मीन्स रिब। अब आप जान लीजिए रिब क्या होती है, ये हमारा होता है फ्लैंज, ठीक, और ये होता है हमारा रिब, ठीक है, और ये डी एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, बी सफिक्स में एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये विड्थ ऑफ फ्लैंज है, और ये जो है डी स्मॉल जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, और डी कैपिटल डी जो है हमारा टोटल डेप्थ होगा, ठीक है। एन जो है हमारे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, और बी सफिक्स में आर जो है यहाँ पे हमारा विड्थ ऑफ रिब है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे यही पूछा है कि द ब्रिथ ऑफ रिब, तो ब्रिथ ऑफ जो रिब होती है वो ध्यान रखिएगा ये 1/2 से 2/3 ऑफ रिब टोटल डेप्थ होती है, मीन्स 1/3 कैपिटल डी ऑफ रिब, ठीक है, मीन्स टोटल डेप्थ, आप रिब की तो नहीं कह सकते, टोटल डेप्थ आप कह सकते हैं, ठीक है, कैपिटल डी जो लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा जो कि है 1/3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम, इसमें इन्होंने पूछा है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है हमारा, हमेशा याद रखिएगा कि 1/10 होता है, ठीक है। अगर कोई भी कंक्रीट 100% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो ले रही है तो इसका मतलब है जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उस कंक्रीट का वो क्या होगा, 1/10 ऑफ 100, ठीक है। ये मीन्स वो केवल 10 की, अगर ये मान लीजिए मैं 100 किलो न्यूटन की बात करूं तो मतलब जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो केवल 10 किलो न्यूटन होगी, मीन्स उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंक्रीट की वो 100% होती है, और जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो केवल और केवल 10% होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो इन्होंने पूछा है कि डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इज अवॉइडेड, द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फाउंडेशन इज रिड्यूस्ड, ऑल द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव, और एक कुछ इसी से रिलेटेड जो है और बातें जान लेते हैं, हिंदी में इसको पढ़ लेंगे तो आप और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गए। इन्होंने कहा है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट की संरचना में क्या होता है, तो संरचना का अचल भार कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, मीन्स अचल डेड लोड मीन्स कम हो जाता है, कंक्रीट में दरार आने से रुक जाती है, सही बात है, सहारा देने वाली संरचना एवं न्यू का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। प्री स्ट्रेस मीन्स उसमें जो भी स्ट्रेस हैं वो पहले ही उत्पन्न कर दिए जाते हैं, जैसा आप आजकल देख रहे हैं जितने फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं उसमें जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, या मेट्रो ट्रेन भी आप जो देखते हैं बनती है, उस मेट्रो रेल सॉरी जो मेट्रो रेल बनती है ट्रैक उसके, वो भी आप देखेंगे उसका जो डेक स्लैब होता है आजकल प्री स्ट्रेस कंक्रीट से ही बनाया जा रहा है, ओके। अब कुछ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो जान लीजिए। पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए वो M30 होना चाहिए, और प्री टेंशनिंग के लिए अगर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो M40 होता है, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं, जो मिनिमम कवर होता है पोस्ट टेंशनिंग के लिए वो 30 mm होता है, और जो प्री टेंशनिंग के लिए मिनिमम कवर होता है वो 20 mm होता है, ठीक है, ओके। नाउ आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, में इन्होंने पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में इन्होंने पूछा है कि इफ सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन बार, टाउ बी डी इज द डिजाइन बॉन्ड, देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ अ बार डायमीटर फाई इज गिवन बाई, ठीक है, ओके।
नाउ तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर जो है डेवलपमेंट लेंथ की बात करें हम, मीन्स एलडी ये हमसे पूछ रहा है, तो एलडी का जो फार्मूला होता है टेंशन बार के लिए, जो फार्मूला होता है एलडी इक्वल टू सिग्मा एसटी इंटू फाई अपान फोर टाउ बीडी, या सिग्मा एसटी की जगह कहीं कहीं पे आप इसे 0.87 इंटू एफवाई भी पढ़े होंगे, ठीक है। या कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको फंसाने के लिए सिग्मा एसटी की जगह 0.87 एफवाई भी लिख देता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलडी इक्वल टू सिग्मा एसटी इंटू फाई अपान फोर टाउ बीडी होता है टेंशन के लिए, और एलडी इक्वल टू सिग्मा एसटी इंटू फाई अपान फाइव टाउ बीडी हो जाता है ये कंप्रेसिव के लिए है, क्योंकि कंप्रेसिव जो वैल्यू होती है टेंशन की वो इंक्रीज की जाती है बाई 25%, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर यहीं पे एक और चीज़ ध्यान कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि अगर ये बॉन्ड जो भी है एलडी की वैल्यू, अगर एलडी की वैल्यू एचवाईएसडी के लिए है, एचवाईएसडी के लिए है, तो इसको जो है 60% और इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, एचवाईएसडी की वैल्यू और इंक्रीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज़ किया जाता है, और कंप्रेसिव वैल्यू टेंशन से 25% इंक्रीज़ की जाती है। अब चूंकि ये दो चीज़ें हो सकती थी, या सिग्मा एसटी 4 पाई टाउ बीडी होता है, या फिर सिग्मा एसटी इंटू 5 टाउ बीडी होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 34 में आप देख रहे हैं कहीं पे भी इन्होंने टेंशन या कंप्रेशन का जिक्र नहीं किया है, तो हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे और ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि फाइव सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बीडी है, मीन्स हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं जो कि टेंशन के लिए वैल्यू होती है। अगर यही 5 टाउ बीडी होता तो ये क्वेश्चन में जरूर जिक्र करता कि टेंशन के लिए है कि कंप्रेशन के लिए है। 2016 का जो जेई का पेपर था यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें इन्होंने वो ये क्वेश्चन पूछा था कंप्रेसिव के लिए। इसलिए देखिए मेरा जो मेन जो मोटिव है ये है कि आप दोनों ही एक क्वेश्चन को ना तैयार कीजिए, एक क्वेश्चन से या उस पर्टिकुलर टॉपिक से और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे आप क्लियर करते चलिए, ठीक है। टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बना के जो है काम करना है, ताकि आपको अच्छे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये वैकेंसी है कि आप दूसरा मौके की तलाश नहीं कर सकते हैं, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने पूछा है कि इन डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्टेंड एट ऑल एजेस टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इज, मींस टॉर्सनल अगर टू वे स्लैब है तो उसमें टॉर्सनल मींस मरोड़ के लिए जो आप उत्पन्न होगा, तो मरोड़ जो तनन प्रतिबल उत्पन्न होंगे उसके लिए आप रिइंफोर्समेंट कितना देंगे। तो हमेशा याद रखिए इफ द मीटिंग एजेस आर रिस्ट्रेंड, तो इसके लिए 0.75 आप टाइम्स ऑफ एएसटी लेंगे, ठीक है, और अगर केवल एक मीटिंग एक सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा, इफ वन ऑफ द टू मीटिंग एजेस वन इज कंटिन्यूस एंड अदर इज डिसकंटिन्यूस, मतलब एक अगर कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो उस केस में आप इसे 0.375 लेंगे। चूंकि हमारे केस में टू वे स्लैब है, आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, तो टू वे है और ये ऑल एज जो है मीट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, मीन्स बोथ एजेस हैं, तो इसके लिए हम सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ देख सकते हैं 0.75 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान इन द सेम डायरेक्शन। ओके नाउ अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने हमसे पूछा है कि इन डबली रीइंफोर्स सेक्शन टोटल रीइंफोर्समेंट परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, तो इसके लिए 4% होता है, ठीक, मैक्सिमम जो है टू वे रीइंफोर्समेंट हो या फिर डबल बीम रीइंफोर्समेंट हो उसके लिए जो मैक्सिमम आप स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं वो 4% होता है, 4%, ठीक है, 4% बी मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ डेप्थ, ठीक है, कहीं कहीं पे ये 4% बी बाई डी भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में इन्होंने हमसे पूछा है कि अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम एट एंड्स हैज अ क्लियर स्पान ऑफ 5 मीटर 0.5 मीटर इफेक्टिव डेप्थ, इट कैरीज अ टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 100 kN/m, द डिज़ाइन शियर फोर्स फॉर द बीम इज, तो इन्होंने हमसे टाउ वी की वैल्यू पूछी है। तो एक हमारा ये बीम है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बीम है, इन्होंने 5 मीटर का स्पान दिया है, ये हमारा 5 मीटर स्पान हो गया,
और उसके ऊपर 100 किलो न्यूटन पर मीटर का ये हमारा यूडीएल लोड इन्होंने लगा दिया है। हमसे टाउ वी की वैल्यू पूछा है, तो हम जानते हैं टाउ वी इक्वल टू वी अपन बी इंटू डी होता है। चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वी इक्वल टू जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है वो डब्ल्यू एल बाई टू हो जाती है, डब्ल्यू एल बाई टू। तो वी की अब आ जाते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू अब चूंकि ये पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, रनिंग लोड है, तो इसको यूनिट लोड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 इंटू 5, 100 लोड हो गया इंटू 5 बाई 2, ठीक है। W 100 हो गया, L स्पान जो है 5 मीटर हो गया, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है लोड हो गया और ये जो है हमारा स्पान हो गया और बाई 2, तो मीन्स 250 किलो न्यूटन हमारा सही ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन नंबर एक है, 37 नंबर हो गया, ठीक है। 38 क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है, मीन्स दैट लोड विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बींग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। तो आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिसमें कि 95% जो है क्यूब अपने टेस्ट से पास हो जाएँ और केवल 5% ना पास हो पाएँ, तो इसके लिए सही ऑप्शन होता है हमारा आपका 95%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 में इन्होंने पूछा है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फ्लेक्सर एज पर IS 456, ठीक है। तो एज पर इसकी बात करें हम, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 38 नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, बाकी मैंने सारी डिटेल बता दिया है, ठीक है। अब बताते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में, तो 39 में इन्होंने पूछा हमसे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर, फ्लेक्सर के लिए, तो फ्लेक्सर के लिए जो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है FC सफिक्स में RC से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लेक्सरल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू, तो 0.7 अंडर रूट FC के होता है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट की बात कर लें तो EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के होता है, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड 456:2000 के अकॉर्डिंग है और EC इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट इसको हम 5700 अंडर रूट FC के भी लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 456, आप यहाँ लिख सकते हैं IS 456 1978 के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और सन 2018 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी भी जानकारी आपको जल्दी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में इन्होंने हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40 में इन्होंने हमसे पूछा है, ओके आ जाइए। चलिए अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, तो 40 में इन्होंने क्वेश्चन नंबर पूछा है कि फॉर अ स्लैब स्पानिंग इन टू डायरेक्शन द स्पान टू डेप्थ रेशियो शुड नॉट एक्सीड, मीन्स स्पान टू डेप्थ का जो रेशियो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए जब टू वे डायरेक्शन में कोई भी आपकी स्लैब है। तो हमेशा याद रखिए कि इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये टेबल, आप ध्यान कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 79 पूछा है UPSSC ने वो भी इसी टॉपिक से पूछा है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 में उन्होंने पूछ लिया है कि सिंपली सपोर्टेड के लिए मैक्सिमम स्पान टू डेप्थ रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि टू डायरेक्शन मीन्स टू वे स्लैब के लिए पूछा इन्होंने, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टू डायरेक्शन ये है आपका, तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा स्पान, या आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है क्या, स्पान बाय डेप्थ रेशियो है, ठीक है। तो ये टू वे आप इसमें देख रहे हैं टू डायरेक्शन के लिए पूछा है, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन 35 है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो अगर वन वे है, ठीक है, वन डायरेक्शन स्लैब है तो उसके लिए वैल्यू 30 हो जाती है, अगर कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस के लिए 40 हो जाती है, और कैंटिलीवर है तो उसके लिए 12 हो जाती है। अब और एक जिक्र कर लेते हैं, ये तब के लिए है जब आपका जो स्पान है 3.5 मीटर और लाइव लोड जो है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाएगा, तब उसके लिए आप स्पान टू डेप्थ रेशियो ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे। अगर उसका स्पान 10 मीटर तक है, ठीक है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो है 10 मीटर तक है, तो उसके लिए आप कैंटिलीवर के लिए 7 लेंगे, और कैंटिलीवर के लिए 7 लेंगे, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 लेंगे, और कॉन्टीन्यूअस के लिए आप 26 लेंगे। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि वो 3.5
मीटर का स्पान होना चाहिए और लाइव लोड उसमें जो है 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है से अधिक है, तो आपको ये ऑप्शन अगर दिया है तो उसमें से ये सही ऑप्शन होंगे, ठीक है। या फिर वो इस तरीके से पूछ सकता है, ये वन वे टू वे करके, ठीक है, वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में इन्होंने पूछा है कि अ मैसनरी डैम मे फेल ड्यू टू, तो मैसनरी मीन्स चिनाई के जो डैम है, आपकी जो बांध है वो किस तरीके से फेल हो सकती है। तो टेंशन इन द मैसनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस ओवर टर्निंग, पलट सकता है, क्रश हो सकता है, टूट सकता है और टेंशन के कारण फेल हो सकता है, तो एनी ऑफ द एबव, ये सारे ऑप्शन सही हैं। और इसकी डिटेल आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि वो चिनाई में तनाव की वजह से फेल हो सकता है, बांध के पलटने से फेल हो सकता है, बांध के आधार के चकनाचूर होने से फेल हो सकता है, या तो उसमें स्लाइडिंग हो सकती है, उसका आधार जो डैम का है वो फेल हो सकता है, ठीक है। डैम आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से है, तो वही कह रहा है, या तो यहाँ इसका ये बेस है, तो यहाँ से ये स्लाइड हो सकता है, या तो ओवरटर्न हो सकता है, ठीक है, या तो ये क्रश हो सकता है, इसके ड्यू टू लोड के कारण यहाँ की दीवारें टूट सकती हैं, ठीक है, या क्रैक आ सकता है टेंशन के कारण, तो इतने कारण से ये बांध फेल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो इन्होंने पूछा है कि टेंशन बार इन अ कैंटीलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज्ड एट सपोर्ट, मीन्स इन्होंने पूछा है कि कैंटीलीवर बीम में हमारा जो LD की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कैंटीलीवर बीम में आप यहाँ देख पा रहे होंगे 42 में कि कैंटीलीवर बीम में जो LD की वैल्यू होती है वो हमारा, इसका सही ऑप्शन जो है हमारा ये आपका D जो है इसका सही आंसर होगा, LD, ठीक है, ये आपका मिनिमम जो है आपको इतना सपोर्ट देना पड़ेगा, LD तक ले जाकर स्थिरण कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये है, LD+10, ठीक, ओके। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं कि अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फॉर फील्ड रिवेट, फील्ड रिवेट के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो है रिवेट बोल्ट के लिए कितना रिड्यूस किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि रिवेट के लिए अगर कोई फील्ड रिवेट है, ठीक है, अगर कोई शॉप रिवेट है तो शॉप रिवेट 100 अगर इसका लोड ले सकता है तो फील्ड में जो उसकी वैल्यू होगी वो 90 ही होगी, वो 10% रिड्यूस हो जाती है। 10% क्यों रिड्यूस हो जाएगी, तो इसका सही ऑप्शन है 10% कम किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई आप शॉप में है, कोई दुकान के अंदर आप काम कर रहे हैं, बोल्ट रिवेट लगा रहे हैं, तो उसमें जो मौसम का प्रभाव है वो उतना अधिक नहीं होगा, लेकिन जो फील्ड में है, जो बाहर आप देख रहे हैं टावर वगैरह बने रहते हैं उसमें जो रिवेट बोल्ट यूज किए जाते हैं वो तापमान को सहते हैं, उसमें जंग लगने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से उनकी जो एक्चुअल लोड की वेयरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम शॉप रिवेट की अपेक्षा जो है 10% घटा कर रिज्यूम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 में इन्होंने कहा है कि रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड, मीन्स रिवेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि रिवेट को हमेशा उसके सैंक से जो है प्रदर्शित किया जाता है, ये इसका सैंक होता है किसी भी रिवेट का और ये इसका हेड होता है, ठीक है, ओके। और इस टॉपिक से दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आप जान लीजिए। देखिए अगर ये नॉर्मल जो रिवेट यहाँ आप रखा हुआ देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जो ये रिवेट रखा पा रहे देख पा रहे होंगे ये अभी कहीं पे लगाया नहीं गया है, तो इस समय जो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर है इसे हम नॉमिनल डाया कहते हैं। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे होल में लगाने से पूर्व सैंक डाया को जो है नॉमिनल डाया कहते हैं, और ये जो आप ये फिगर देख पा रहे हैं जब इस रिवेट को इसमें फिट कर दिया गया है तो जोड़ में लगाने के बाद जो रिवेट का डाया होता है उसे ग्रास डाया कहते हैं, इसे डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये बात जान लीजिए। और इससे टॉपिक अब रिवेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रिवेट को उसके सैंक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है जो किसी होल में ये फिट होता है, ठीक है, इसको यहाँ से पीटा जाता है और डिफरेंट इनके हेड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपका जो है रिवेट दिखाया गया है, जैसे ये फ्लैट है, ये काउंटर सैंक है, ये काउंटर सैंक राउंड है, ठीक है, तो इस प्रकार के रिवेट होते हैं। अब कुछ और जान लीजिए जानकारी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई जगह एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो सैंक का डाया है जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ डी, ठीक है, अगर सैंक का डाया डी 25 mm से कम है तो डी नॉट जो होगा इसका जो सकल व्यास होगा डी नॉट होल में लगाने के बाद मीन्स यहाँ पे जो लगाने के बाद डी नॉट होगा उसकी जो डायमीटर लिया जाता है वो डी प्लस 1.5 मीन्स ये डी आपका मीन्स सैंक का डाया प्लस 1.5 mm लिया जाता है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू नॉमिनल डाया की वैल्यू 25 mm से ज़्यादा है तब जो डी नॉट आप सकल व्यास होल में लगाने का जो डी नॉट निकालेंगे वो डायामीटर ऑफ सैंक होल में लगाने से पहले का डाया प्लस 2 mm आप उसमें क्लियर कवरेज जोड़ेंगे तो आपको जो है उसका डी नॉट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 में इन्होंने पूछा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन इज मीन्स बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। तो देखिए प्योर अगर बिटुमन है, अगर देखिए प्योर बिटुमन है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.97 से लेकर 1.02 तक होती है। और अगर टार स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर टार की बात करें, कोल टार की बात करें या टार कह लीजिए आप उसे, टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 से 1.25 होती है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी विकल्प आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जो इसके क्लोजेस्ट हो, तो क्लोजेस्ट वैल्यू हमारा 1.09 है, तो हम इसे जो है आपका 1.09 ऑप्शन नंबर बी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है 1.09। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर की। 46 क्वेश्चन नंबर पूछा है कि सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड मींस अगर किसी भी कंक्रीट से अगर उसका वाटर मींस पानी बालू और सीमेंट अगर अलग अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। अगर उसका सीमेंट और पानी अलग हो रहा है किसी कंक्रीट से तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं, और अगर उसका कंक्रीट जो उसमें एक कोर सेग्रीगेट है वो अलग हो रहा है तो उसे हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, पृथकीकरण। इससे बचने के लिए हम इसको कंक्रीट को जो है 1 मीटर से कम की हाइट में इसको जो है गिराना चाहिए। अगर 1.5 मीटर 1 से 1.5 मीटर के ऊपर से आप कंक्रीट को अगर नीचे गिराएंगे किसी भी जगह कंक्रीट को किसी भी कॉलम में या फिर किसी भी बीम में तो आप वहाँ पे उसका सेग्रीगेशन हो सकता है, मीन्स उसका जो मोटा मिला हुआ होता है एग्रीगेट होता है कोर सेग्रीगेट वो अलग हो जाएगा उसके मेन कंक्रीट से। नेक्स्ट बात आते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 47 पे। तो इन्होंने पूछा है प्लास्टिक ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सनिंग, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम का निष्पातन करके बनाया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ तीव्रता के संयोग करता है जिससे ताप उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसके सही ऑप्शन हो गया हमारा जिप्सम ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में इन्होंने पूछा है कि द प्लिंथ एरिया रेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एज पर UPPWD। तो UPPWD के अनुसार जो है हमारा बोथ रेट्स जो है कॉमन लिए जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर का जो रेट होता है वो लगभग दोनों दरें समान ली जाती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में इन्होंने पूछा है कि जो ऑर्डर बुकिंग डायमेंशन होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होता है मीन्स MB जिसे बोलते हैं। जब आप JEE बन जाते हैं तो किसी भी साइट को जब चेक करने जाते हैं तो एक बुक मिलती है आपको, रजिस्टर मिलता है जिसमें जो है डायमेंशन आप नोट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है आप क्या नोट करते हैं, उसमें सबसे पहले आप लेंथ नोट करते हैं, फिर विड्थ नोट करते हैं, फिर हाइट नोट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप डिटेल जानकारी के लिए यहाँ देख सकते हैं, प्राकलन के लिए विभिन्न मदों की लंबाई को लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई में आपको MB दी जाती है मेजरमेंट बुक, और लंबाई को जो है आप 0.01 मीटर तक की शुद्धता से मापते हैं, और एरिया को जो मेजर करेंगे आप 0.01 मीटर² तक मेजर कर सकते हैं, और आयतन को जो वैल्यूम है वो 0.01 मीटर³ तक आप जो है इसको मेज़र करते हैं। ये मतलब इसका लीस्ट काउंट वैल्यू है, आप उससे नीचे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है इन्होंने, तो क्वेश्चन नंबर 50 में इन्होंने पूछा है कि फॉर कैलकुलेटिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फ्लश डोर
फर्स्ट डोर आउटर डायमेंशन ऑफ डोर इज मल्टीप्लाइड बाई, मीन्स बाहर की जो को जो दरवाज़ा होता है फ्लश दरवाज़ा उसके लिए पेंट की आप गणना कैसे करते हैं। तो इसका जो सबसे, तो इन्होंने पूछा है, देखिए बोथ साइड पूछा है, तो यहाँ पे आप 50 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगर फ्लश दरवाज़ा है, अगर वन साइड की बात करें तो इसके लिए जो पेंट गुणांक जो लेते हैं आप वो 1.2 लेते हैं, अब बोथ साइड के लिए आप 2 लेते हैं, पैनल या ब्रेस दरवाजे के लिए अगर आप दो बोथ साइड ले रहे हैं तो आप 2.25 लेंगे, ठीक है। और अगर ग्लेज्ड डोर है, मीन्स आधे दरवाजे पे खिड़की लगा है और आधा जो है आपका जाली नुमा है, झिलमिल दरवाज़ा है या शीशा लगा हुआ, तो उसके लिए 1.8 लेते हैं। कांचदार, अगर कांच की खिड़की है तो उसके लिए 1.8 लेते हैं, और जालीदार दरवाज़ा है तो उसके लिए 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ देखिए ये लाइन को आप देखिए, बोथ साइड के लिए पूछा है और दरवाज़ा कौन सा है हमारा, फ्लश डोर है। आप ये टॉपिक देखिए, फ्लश डोर, तो फ्लश डोर हो गया हमारा और बोथ साइड के लिए हमारा 2 होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज, मॉड्यूलर ब्रिक की साइज क्या होती है, तो मॉड्यूलर ब्रिक की साइज हमारी 9x9x9 सेंटीमीटर होती है, इसे इंडियन स्टैंडर्ड साइज भी कहते हैं। और कुछ इस ईंटों की माप आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे मीटरी या मॉड्यूलर ईंट की बात करें तो इसे 19x9x9 सेंटीमीटर mm में आप मल्टीप्लाइड 10 कर देंगे, और नॉमिनल माप की बात करें नॉमिनल साइज की, तो नॉमिनल जो साइज होती है उसकी 20cm x10x10 होती है। नॉन मॉड्यूलर या फिर इसे ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, या परंपरागत आप हिंदी में लिख लीजिए, परंपरागत, ठीक है, परंपरागत ईंट की जो साइज होती है वो आपका ये वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है 52 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसीज, मींस डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, तो डैम प्रूफ कोर्स जो है हमारा मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में, हमेशा याद रखिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डीपीसी किसे कहते हैं, तो आप ये जो लेयर देख रहे हैं और ये जो लेयर है ये हमारा डीपीसी है, डीपीसी मीन्स जब कुर्सी तल तक चिनाई कर देते हैं तो उसके ऊपर ये जो लेयर डालते हैं जिससे कि नीचे की जो नमी है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो मिट्टी है, तो ये जो मिट्टी है इसकी वजह से अगर पानी का तल, ये धीरे धीरे ईंट क्या होता है, ईंट की अवशोषण क्षमता आप जानते हैं 20% होती है फर्स्ट क्लास की, तो धीरे धीरे पानी जो है ऊपर फर्श तल पर आ सकता है, तो इसको रोकने के लिए डीपीसी दिया जाता है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होता है, इसको मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं, और जो इसको थिकनेस, जिस थिकनेस में ये दिया जाता है, इसको 25 से 40 एमएम की मोटाई में हम इसको डालते हैं, और पूरी जितनी दीवार है उसकी चौड़ाई में डालते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा है, कि थीडोलाइड मेजर्स, थीडोलाइट क्या मेजर करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करता है, और किस प्रकार मेजर करता है आप देख सकते हैं, इसकी जो ये नीचे की लोअर प्लेट होती है, यहाँ से इसको जो नीचे की लोअर प्लेट होती है, इससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, और ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसे वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, ये हमारा थीडोलाइट है, यहाँ से हमारा ये IUN हो जाता है, ठीक है, ठीक, और ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक, और ये जो इसके क्लैंप्स हैं, क्लैंप है जिसके सहारे इसको जो है हम इसकी सेंटरिंग करते हैं, ये हमारा जो है क्या बेस प्लेट है, ठीक, और ये जो है क्लैंप है जिनके सहारे से हम क्या करें इसको, और यहाँ से हम जो है ये वर्नियर स्केल हो जाती है, ठीक, ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 54, तो 54 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक बंद घेरे वाले समोच्च रेखाओं की श्रृंखला में यदि उठान अंदर की ओर बढ़ रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, मीन्स अगर आपका कंटूर की जो संख्या है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम पहाड़ कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जैसे ये बाहर की तरफ 70 है, फिर 80, फिर 90, 100, मीन्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, और आप हमेशा जानते हैं कि कोई भी जो पर्वत होती है या कोई चट्टान होती है नीचे जो बेस होता है उसका वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, तो मीन्स उसकी कंटूर वैल्यू ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे जैसे हम शिखर आसमान की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी जो
चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है, तो इसकी वजह से। और जबकि तालाब में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तालाब या फिर कोई गड्ढा होता है, आप देखते हैं तालाब अंदर की तरफ जो है थोड़ा कम गहरा है, लेकिन बाहर की तरफ और फैलता जाता है, ठीक है। तो इस ये होता है डिफरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 में इन्होंने पूछा कि एलिडेड इज़ यूज्ड इन, एलिडेड कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो एलिडेड जो है हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं डिटेल में। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में ये जो है देखिए कंपास होता है जिससे हम नॉर्थ और साउथ का एंगल जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एलिडेड हो गया, ये कुछ इस प्रकार होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम लक्ष्य को बेधते हैं। ये हमारा टेबल हो गया जिस पे हम ड्राइंग शीट करके फैलाकर हम सारी डिटेल को नोट करते हैं। ये हमारा ट्राईपॉड है और ये हमारा क्या है, ये सेंटरिंग है जो, और ये हमारा यू फॉर्क है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा यू फॉर्क हो गया, ठीक है। इसी से हम जो ज़मीन के नीचे का जो बिंदु है इसको जो है इसको ड्राइंग शीट पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, तो यू फॉर्क के द्वारा करते हैं, ठीक है। ओके, एलिडेड भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन एलिडेड होता है और एक हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये साइड वेन होता है और ये ऑब्जेक्ट वेन होता है, मतलब इधर से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को जिसको लक्ष्य बेधना होता है। और ये हमारा फिड्यूशियल एज होता है, ठीक है, इसे फिड्यूशियल एज बोलते हैं, जो कि ड्राइंग शीट पर रखकर इसी पर कुछ अंक निर्धारित होते हैं, सेंटीमीटर में खुदे रहते हैं, जिससे आप उसकी लंबाई वगैरह को जो है इसी एलिडेट के बॉटम की जो फिड्यूशियल एज होता है इसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर नोट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। 56 क्वेश्चन में है द लॉन्गेस्ट चेन इन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्वे एरिया इज नोन एज, मीन्स सर्वे में सबसे जो बड़ी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी बेस लाइन, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक। और ये होती है हमारी चेक लाइन जो ट्रायंगल के फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है। ये होती है हमारी चेक लाइन और ये होती है हमारी बेस लाइन जो सबसे लंबी होती है, ठीक है। ओके, और ये हमारी टाई लाइन होती है जब हमें किसी चीज़ को किसी से रिप्रदर्शित करता होता करना होता है। और ये हमारे बेसिकली ये मेन स्टेशंस है जो आप ABCD के फॉर्म में देख पा रहे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेस लाइन। चेक लाइन क्या होता है कि पूरे फील्ड के एरिया के कैलकुलेशन को चेक करने के लिए हम चेक लाइन डालते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सर्वे इन व्हिच, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्वे इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड, तो उसे हम जो है जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं, ठीक। देखिए इट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट। तो मीन्स अगर जो है किसी भी पृथ्वी की वक्रता को आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसे जो है हम क्या बोलते हैं, उसे हम जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। ये बहुत लार्ज एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो प्लेन टेबल सर्वे होता है ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, और इसमें हम जो सरफेस हैं जो पृथ्वी की वक्रता है कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, यही डिफरेंस होता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की। फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ कंपैक्शन ग्राफ बिटवीन ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉयल इज कॉल्ड, तो इसे मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ कहते हैं हम, ठीक है। ओके, तो इससे हम बेसिकली जो है प्रॉक्टर टेस्ट से क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो हम गामा डी मैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीन्स OMC, वह मॉइस्चर कंटेंट जिसे OMC बोलते हैं। OMC का फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मीन्स वह जल की मात्रा जिससे हम जो है सॉयल से अधिकतम उसके जो है ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए जो है प्रॉक्टर टेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हमसे कि द इफेक्टिव साइज ऑफ अ सॉयल इज, द इफेक्टिव सॉयल ऑफ सॉयल इज। ये क्वेश्चन ऊपर भी आपसे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें इन्होंने कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी पूछा था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। तो इफेक्टिव साइज को हम D10 से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज साइज ऑफ सॉयल को हम D50 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों टर्म आप ध्यान दीजिए, ये मैंने ऊपर भी बताया, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ
कि आप एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे कवर किए हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आने वाली, मैं इसका पार्ट टू आपको जल्द ही लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो फिर हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं ताकि आपको भी देखने में असुविधा ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल्स हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन्स, मीन्स किस सॉयल के सबसे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इसके सबसे छोटे कण जो होते हैं वो क्ले के होते हैं। ठीक, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन नंबर ऊपर ही जो है इसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्ले की साइज़ क्या होती है, कोबाल्ट की साइज़ क्या होती है और सिल्ट की साइज़ क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है आपका 61। 61 में इन्होंने पूछा है कि अ सॉयल हैज़ 30% एयर वाइड एंड पोरोसिटी 0.4, एयर कंटेंट ऑफ दैट सॉयल सेल बी, मीन्स एयर कंटेंट इन्होंने पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि Na की वैल्यू हमें इन्होंने दिया है 30%, तो अगर हम 30% को वैल्यू में चेंज करेंगे तो 0.30 होगा, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो। ठीक है, और N की पोरोसिटी की वैल्यू हमें ये दिया है इन्होंने, हमसे पूछा है इन्होंने AC, तो हम चूंकि जानते हैं कि Na इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है SSC J में बहुत पूछा जाता है, Na इक्वल टू N इंटू AC, तो आपका AC इक्वल टू क्या जाएगा, Na बाई N इक्वल टू 0.30/4 मीन 0.75, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, AC एयर कंटेंट की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.75। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने इसे 1.33 आंसर माना था, बाद में इन्होंने इस क्वेश्चन को गलत माना था। ठीक, नेक्स्ट बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 62 की। तो ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है पानी, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है जो सॉयल की इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो घट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस यू, जहाँ पर सिग्मा क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, ये पोर वाटर प्रेशर, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप यू की मात्रा बढ़ाएंगे आप उसमें क्या होगा, ये सिग्मा बार की वैल्यू घट जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। टोटल 125 क्वेश्चन है, इसमें 125 में आज हम 62 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो 63 क्वेश्चन बच रहे हैं, रिमेन हैं, वो पार्ट टू आपको कल के वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीज लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही UP स्पेशल और उससे रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज जो है आपके सामने लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।